हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एग्जांपल नंबर 7.8। पे अटेंशन, 7.8 एंड 7.9 इज दीज टू एग्जांपल्स आर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, सो यू हैव टू सी वेरी केयरफुली। अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, यू आर हैविंग अ मेटल बार लाइक दिस एंड दिस मेटल बार इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो लेट मी ड्रॉ द डिस्टेंस बाय यूजिंग पेंसिल, सो इफ आई नीड टू इरेज आई कैन इजिली डू इट। रेडी, 70 सेंटीमीटर एंड मास इज अ 4 किलोग्राम, सो एम इज इक्वल टू 4 किलोग्राम। सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एजिस, प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ईच अदर, सो हियर दे आर बैलेंस्ड ऑन द नाइफ एजिस एंड टू नाइफ एजिस आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, सो दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। अ 6 किलोग्राम वेट इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड से 30 सेंटीमीटर पे एक वेट सस्पेंड किया है। Let's say this weight is W1, ready? And this value of W1 is W is equal to mg. कितना मास सस्पेंड किया है? 6 किलोग्राम. So m is a 6 and gravity is a 9.8. W is equal to mg is acting over here. And this distance is 30 centimeter from one end. Ready? Find the reactions at the knife edges. You have to find the reactions. These are the reaction R1 and these are the reaction, this is the reaction R2. You need to find R value of R1 and R2. Assume the bar is to be uniform cross section and homogeneous. Mass is a your rod is a uniform. कहीं से मोटा या कहीं से पतला ऐसा नहीं है. The rod is uniform itself. So ऐसा sentence उन्होंने क्यों लिखा है कि भाई ये rod uniform है? Because we know that कि uniform object के लिए center of mass जो होता है वो exactly बीच में होता है. Ready? So this is the center of mass जहां पे ये weight है उसका W. Ready? Center of mass of a uniform object exactly lies on the center. Center of mass कहां होता है? Exactly center पे. So obviously कि ये जो end है यहां से ये distance होगा 35 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस, सो आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द डिस्टेंसेस। रेडी, चलो नाउ हियर व्हाट कैन आई से, माय रॉड इज इन स्टेबल पोजीशन, सो आई विल राइट हियर एज रॉड इज इन स्टेबल पोजिशन, मीन्स ना तो वो लीनियर मोशन कर रहा है ना ही वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड इज जीरो एंड इट इज नॉट ऑल्सो परफॉर्मिंग द रोटेशनल मोशन, सो सबमिशन टॉर्क इज ऑल्सो जीरो। रेडी, अब देखो फर्स्ट
First of all, we will solve this term. That is the total force acting on the object is zero. तो total forces कितने लग रहे हैं? तो suppose कि ऊपर वाले forces को हम positive ले रहे हैं. So R1 and R2 are acting in upward. So R1 plus R2, these are the upward. और downward forces कौन से हैं? W1 and W. So plus W1 plus W. All these total forces are zero. All these total forces are zero. Say this is the equation number one. Now we will define the another term, summation tau is equal to zero. Okay. So torque. तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? तो यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला याद रखो. टॉर्क मींस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. मैं लिख नहीं रहा हूं, मैंने आगे बहुत बार लिख चुका हूं ये फॉर्मूला. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स लाइन फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है. सो यहां पर देखो, एक तो जो आपका टॉर्क लग रहा है ये आर वन की वजह से लगेगा. मान लो कि ये रॉड है, ठीक है, और R1 लग रहा है ऊपर यहां पे. सो ड्यू टू दिस R1 योर ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म द क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना. और ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो वो टॉर्क कैसा होगा? नेगेटिव. तो वैल्यू ऑफ फोर्स R1, एंड ये जो फोर्स लाइन है वो फोर्स लाइन का सेंटर से डिस्टेंस. तो भाई ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस अभी हमें फाइंड करना है. ठीक है, चलो यहां पे हमने आई थिंक डायग्राम में एक मिस्टेक की है. क्वेश्चन में क्या लिखा है, थर्ड लाइन देखो, नाइफ एज इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, नॉट फ्रॉम ईच अदर. मैंने ईच अदर रीड कर लिया. तो यहां पे हम ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इसको इरेज करेंगे. ठीक है. सो ये इंस्टेड ऑफ दिस 10 सेंटीमीटर हम कहां शो करेंगे? 10 सेंटीमीटर हम यहां पे शो करेंगे. ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो अब देखो. ऑब्वियसली तो ये हमारा जो फोर्स लाइन है कौन सा? R1. R1 से सेंटर का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? अब ये इतना डिस्टेंस है 35, ये है 10, सो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 25. सो दिस डिस्टेंस इज अ 25. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स लाइन फ्रॉम ओरिजिन. फोर्स लाइन और ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 25. ठीक है, और ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हम इसको लिखेंगे नेगेटिव. ठीक है, हम ये वाला टर्म सॉल्व कर रहे हैं, ये खत्म हो गया, बस इसको बॉक्स बना दो, इसकी अभी कोई नीड नहीं है. ठीक है, चलो वैसे हमारा R2 है. अब पोजीशन देखो, R2 है, R2 यहां पे लग रहा है तो उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा. एंटी क्लॉकवाइज है तो वो टॉर्क रहेगा हमारा प्लस. और टॉर्क की फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लाइक सेम, ये फोर्स लाइन है, फोर्स लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब ये एग्जैक्टली सेंटर पार्ट है, लेंथ 70 है, तो ये 35, तो ये भी 35, उसमें से ये 10, सो ऑब्वियसली रिमेनिंग हमारा क्या होगा? 25 सेंटीमीटर. सो अगेन इट इज अ 25 सेंटीमीटर. अब ये वेट इमेजिन करो कि अगर ये वेट है, सिर्फ ये वेट, तो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट घूमेगा ऐसे. ठीक है, अब ये जो घूम रहा है वो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज. अब एंटी क्लॉकवाइज के जो टॉर्क होते हैं उसको हम लेते हैं पॉजिटिव. तो प्लस वैल्यू ऑफ फोर्स W1 इनटू फोर्स लाइन का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस.
अब ये है 35, ये है 30, ऑब्वियसली ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर, सो यहां पे डिस्टेंस आएगा 5, ठीक है। एंड एडिशन ऑफ ऑल दिस टॉर्क्स आर टू बी 0, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। चलो फोर्स तो ये भी है, तो इसकी वजह से टॉर्क क्यों नहीं लगा? व्हेन योर फोर्स लाइन इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, अगर आपकी फोर्स लाइन ओरिजिन में से ही पास हो रही है तो वो कभी भी टॉर्क अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। फोर्स लाइन, इसकी फोर्स लाइन ओरिजिन में से ही पास हो रही है, सो इट विल नॉट प्रोड्यूस, इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ टॉर्क। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1 and 2, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ R1 and R2, जो हमें फाइंड करना है वो। लेट्स सी, लेट्स यूज द इक्वेशन नंबर 1। R1 प्लस R2 प्लस W1, W1 की वैल्यू क्या है 6 × 9.8 एंड द W प्लस, अब ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास मतलब पूरे ऑब्जेक्ट का मास यहीं पे है, सो होल रॉड इज गिवन बाय 4 kg, सो 4 × 9.8 इज इक्वल टू 0, सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, चलो तो क्या हो जाएगा, ओके अब यहां पे देखो एक गलती हमने क्या कर दी कि भी R1 वाले फोर्स अपवर्ड है, अपवर्ड वाले फोर्स को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड वाले फोर्स लेने पड़ते हैं नेगेटिव, सो वी हैव टू राइट नेगेटिव ओवर हियर, सो दीज आर द माइनस एंड माइनस, रेडी। तो ये माइनस वाला टर्म यहां पे ले जाओ तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 6 × 9.8 प्लस 4 × 9.8, सो R1 प्लस R2 इज गिवन बाय 6 × 9.8, सो व्हाट इज द 6 × 9.8, इट इज अ 58.8 प्लस 4 × 9.8, इट इज अ 39.2, सो इन दोनों को जब ऐड करेंगे इट इज अ 98, सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 98 newton, सो वी हैव वन फॉर्मूला, ठीक है। नाउ यूज इक्वेशन नंबर 2, माइनस 25 R1, ये वाला फॉर्मूला, प्लस 25 R2 प्लस 5 W1, ये W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 9.8 इज इक्वल टू 0, रेडी, सो 6 × 9.8 × 5, सो दिस इज बिकम 294, एंड यहां पे दोनों में से मैं 25 कॉमन निकाल दूं तो 25 माइनस R1 प्लस R2 एंड दिस इज अ प्लस इज इक्वल टू 0, ऐसा स्टेप होगा, ठीक है। चलो सो 25 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड ले जाओ, माइनस 294, सो माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू माइनस 294 बाय 25, सो माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, इफ वी सॉल्व इट, 294 डिवाइड बाय 25, सो इट विल गिव 11.76, इट इज अ माइनस वैल्यू, सो हियर वी आर गेटिंग अनदर फॉर्मूला, सो यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज, लेट से दिस इज द फॉर्मूला नंबर ए एंड से दिस इज द फॉर्मूला नंबर बी, बाय यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज वन कैन से, वन कैन प्रूव
Let's use these formulas. R1 plus R2 is equal to 98 and minus R1 plus R2 is equal to minus 11.76. So these are cancels. So 2R2 is equal to 98 minus 11.76. So 98 minus 11.76. So it is a 86.24. So this will give you R2 is equal to 86.24 by 2. R2 is equal to 43.12. So we have a value of R2, which is a 43.12. और ये R2 की value तुम equation number A में put करो या B में put करो, दोनों में से कोई भी एक में तुम R2 की value put करोगे, so we have the value of R1 और ये R1 की value होगी 54.88 न्यूटन. So हमें जो find करना था, क्या find करना था हमें, the reaction force R1 and R2. ठीक है, तो ये हमें R1 और R2 की value मिल गई, है ना. अभी I think मुझे ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल याद आया कि हमने एक टॉपिक गलती से स्किप कर लिया है, विच इज ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना. तो वो टॉपिक भी देख लेते हैं. क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? देखो, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस, सेंटर ऑफ मास हमने देख लिया था, रिवाइज करते हैं. क्या होता है सेंटर ऑफ मास? एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ये हम कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा यूनिफॉर्म लेंथ का रॉड है, यूनिफॉर्म डायमेंशन वाला, और ये रॉड सपोज है 4 किलोग्राम का. सो एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहां पे पूरा का पूरा 4 किलोग्राम कॉन्सेंट्रेटेड है. जनरली यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए वो पॉइंट होता है एग्जैक्टली सेंटर पे. कहां होता है? एग्जैक्टली सेंटर पे. तो ये पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ मास, CM. ठीक है. सो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर टोटली मास, होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड जनरली इट इज ऑन द सेंटर. जनरली कहां होता है? सेंटर पे होता है. ठीक है, अब देखो. नाउ लेट्स सी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सपोज आपने कभी ऐसा ट्राई किया कि किसी बुक लेके, सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ बुक, और बुक लेके उसको पेन से ऐसे स्टेबल करने के लिए ट्राई किया है. तो किसी भी बुक को अगर पेन से ऐसे स्टेबल करोगे, सो आफ्टर ट्राई एंड एरर ऐसे अगर ड्रॉ करे, दिस इज द एग्जिट डायग्राम. यस, दिस वन इज द एग्जिट डायग्राम. इफ यू ट्राई टू फिक्स अ बुक ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय यूजिंग द पेन, बाय अप्लाइंग ट्राई एंड एरर मेथड, यू विल गेट अ एग्जिट पॉइंट ऑन विच योर होल बुक कैन बी स्टेबल. दिस पॉइंट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. दिस पॉइंट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो यहां पे ये टॉपिक को भी हम ज्यादा डिटेल में, मीन्स डिटेल में तो पढ़ेंगे बट टेक्स्ट बुक में जो है वैसा नहीं है ना. हम सिर्फ डिफरेंस देखेंगे और ये देखेंगे कि हर ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह होता है. तो पहले इंडिविजुअली समझो कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. दिस इज द सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब कौन से ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है? सो वन, व्हेन The object is uniform like this, a uniform rod, uniform
स्क्वायर, यूनिफॉर्म, सर्कल, इन सब का सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है। दूसरा किसका सेम होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म एंड स्मॉल। सो अगर ये नहीं करोगे, एक ही रूल बस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म एंड स्मॉल इन साइज। रेडी? बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना, सो फॉर बिगर ऑब्जेक्ट्स वी कैन से, फॉर बिगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी डजंट लाइज ऑन ईच अदर, है ना। जैसे कि छोटा ऑब्जेक्ट और यूनिफॉर्म होगा तो जहां सेंटर ऑफ मास होगा वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा, बट बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़े अलग अलग होते हैं, देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस ओनली अबाउट द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। हमें ये चैप्टर में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही देखना है। सो मेजोरिटी, हमारे केस में मेजोरिटी न्यूमेरिकल्स में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही होता है। रेडी? चलो तो अब हम देखते हैं, ये यहां पे हमारा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.9। रेडी? अ 3 मीटर लॉन्ग लैडर वेटिंग 20 किलोग्राम leans on a frictionless wall. So this is the frictionless wall and a ladder is like this. Obviously this is the floor, this is the floor. 3 meter long ladder, that means हमारा जो ladder है उसका length दिया हुआ है, it is a 3 meter. Ready? And the mass is 20 kilogram. अब ladder है तो उसका center of mass ये होगा exactly center पे, तो यहां पे तुम्हारा एक तो W होगा, W इज इक्वल टू mg, टोटल लैडर का मास है 20 किलोग्राम इनटू g, ग्रेविटी 9.8। इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर, तो फीट जो है वो यहां पे रेस्ट है, मतलब यहां पे अब लैडर कोई भी टाइप का मोशन नहीं कर रहा है। एंड दिस फीट इज गिवन बाय 1 मीटर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द वॉल। फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। ठीक है, वॉल का रिएक्शन फोर्स कैसा होगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, रिएक्शन फोर्स जो है वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होता है, चैप्टर 5 में हमने पढ़ चुके हैं। सो दिस इज सपोज F1 इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ वॉल एंड ये थोड़ा सा टिल्टेड है, यहां पे थोड़ा एंगल मिलेगा, सो इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो थोड़ा टिल्टेड होगा F2। रेडी? बट यहां पे परपेंडिकुलर फोर्स होगा N, विच इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। N इज व्हाट? N इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शनलेस वॉल है, ऑब्वियसली फ्रिक्शनलेस वॉल होगी तो लैडर नीचे गिर जाएगी, मतलब लैडर नीचे गिरेगी तो ये पॉइंट धीरे धीरे पीछे जाना चाहिए, बट दिस पॉइंट इज स्टेडी, मींस लैडर को तो जाना है पीछे बट नहीं जा रही, दैट मींस यहां पे फ्रिक्शन ने उसको पकड़ के रखा है। सो कैपिटल एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स। रेडी? सो Here what can I say? Here I can say F2 is resolved into two forces N and F. ठीक है, ये F2 N और F का resultant है, तो यहां पे हम directly लिख सकते हैं कि भी F2
की वैल्यू होगी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि हमें ये फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको मैं सर्कल बना रहा हूं रेड पेन से, हमें ये और ये फाइंड करना है। अब F2 फाइंड करना है तो हमें N और फ्रिक्शन फोर्स F चाहिए। ठीक है, और F1 हम अभी पहले फाइंड कर लेते हैं। नाउ पहले यूज करेंगे समेशन F इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि लेडर जो है वो कोई भी लीनियर मोशन नहीं कर रहा, तो टोटल फोर्सेस कितने हो जाएंगे हमारे केस में, जीरो, है ना। चलो तो पहले ऊपर नीचे वाले फोर्स देखते हैं। N ऊपर लग रहा है तो N लेंगे प्लस, W लग रहा है नीचे तो W ले लेंगे नीचे, सो N माइनस W इज इक्वल टू जीरो। फिर लेंगे राइट और लेफ्ट वाले फोर्स, तो राइट में लग रहा है फ्रिक्शन F और लेफ्ट में लग रहा है F1, तो दूसरा क्या बनेगा कि यहां पे राइट वाले F को प्लस लेते हैं और लेफ्ट वाले F1 को लेते हैं माइनस, तो F माइनस F1 इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे n माइनस w, w क्या है 20 इंटू जी, ये रहा g की वैल्यू हो जाएगी 9.8 इज इक्वल टू जीरो। सो 20 इंटू 9.8 दिस विल गिव 196 इज इक्वल टू जीरो। सो डायरेक्टली वी हैव द वैल्यू ऑफ n 196 न्यूटन। रेडी, तो ये n हमें मिल गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो f, हियर वी कैन से कि भी f1 को राइट में ले जाओ तो f इज इक्वल टू f1 होगा, जो वैल्यू आपकी f1 की होगी वही आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। तो अब ये f1 बाकी है, f1 की वैल्यू मिल जाएगी, वही वैल्यू आपकी f की होगी। तो अब हम यूज करेंगे समेशन टाउ इज इक्वल टू जीरो, टोटल टॉर्क भी हमारे केस में क्या होगा, जीरो। रेडी, सो इन दिस केस लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट इज अवर ओरिजिन, ये पॉइंट ए हमारा ओरिजिन है। सो टॉर्क में हमने क्या बोला था कि अगर फोर्स लाइन हमारे ओरिजिन में से पास हो रही है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, एन कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, F कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस, ये F2 कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, F भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो यहां पे टॉर्क प्रेजेंट करने वाले दो ही कंपोनेंट है, एक W और एक F1। ठीक है, तो ये W की फोर्स लाइन और ये फोर्स लाइन का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका एग्जैक्टली हाफ होगा, क्योंकि ये सेंटर पे है, ये 1 मीटर है, तो ये क्या होगा 0.5। तो टॉर्क मींस वैल्यू ऑफ फोर्स 20g, 20g कितना था 196, सो 196 इंटू 0.5, एक टॉर्क प्लस होगा तो एक टॉर्क होगा हमारा नेगेटिव। अब इसकी बात करो तो फोर्स की वैल्यू F1 और ये फोर्स लाइन का, ये फोर्स लाइन का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये पूरा डिस्टेंस फोर्स लाइन का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, तो वो डिस्टेंस होगा एग्जैक्टली हमारा ये, जिसको पाइथागोरस से सॉल्व करना पड़ेगा, ये 3 है ये 1 है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू जो आपको मिलेगी 2√2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया हमें 2√2 और ये होगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो बाय सॉल्विंग दिस F1 आपको F1 की वैल्यू मिल जाएगी 34.6 न्यूटन, और F1 इज योर F फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो हमें एक तो F1 की वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई, दूसरी चाहिए थी F2 की वैल्यू, F2 का फॉर्मूला है ये, सो F2 इज इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर, n इज 196, सो 196 का स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, F क्या है 34.6 का होल स्क्वायर, सो F2 की वैल्यू आपको मिलेगी 199 न्यूटन। रेडी, सो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है,
यहाँ तक ये न्यूमेरिकल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना स्लोली स्लोली वीडियो को पॉज करके, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स.